नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नई नई किराने की दुकान खोलते हैं और 4-6 महीने में ही अपनी दुकान बंद कर देते हैं, या फिर यूँ कहें कि उनकी दुकान चलती नहीं इसीलिए वे अपनी दुकान को बंद कर देते हैं। आखिर किराने की दुकान घाटे में क्यों जाती है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इस बिजनेस में मुनाफा कितना है। दोस्तों वैसे नॉर्मली बात की जाए तो 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये ऐसे मुनाफा होता है हर प्रोडक्ट में, यानी कि जो भी आप चीज़ें बेचते हैं उनमें 1-2 रुपये से ज़्यादा फायदा नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनमें ज़्यादा भी मुनाफा होता है, जैसे कि आटा हो गया और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, गुड़ हो गया, इन सब में थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन है, ज़्यादा मुनाफा है। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादातर बिकती हैं, बिस्किट मिक्सचर जो छोटी छोटी 5-5, 10-10 रुपये में बिकती हैं, उनमें 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये का मुनाफा होता है। तो ऐसे में उनमें ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। वैसे कोई फिक्स नहीं है कि किसमें कितना मुनाफा है। मैं किसी एक विशेष प्रोडक्ट या किसी विशेष चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मली जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों जो नई नई दुकान खोलता है वो उधारी देने लगता है, जिसके वजह से उसका बिजनेस बर्बाद होता है। हाँ दोस्तों, आपको नई नई दुकान खोली है या फिर 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आपका हुआ है, तो आपको जो है उधारी नहीं देना है। दोस्तों अगर आप उधारी दे भी रहे हैं तो एक फिक्स अमाउंट उधारी दे दीजिए, जैसे कि मान लीजिए 500 रुपये, 1000 रुपये, इससे ज़्यादा उधारी मत दीजिए किसी को भी। एक फिक्स अमाउंट कर लीजिए कि इससे ज़्यादा मुझे उधारी देनी ही नहीं है। और हर किसी को उधारी तो देना ही नहीं है, क्योंकि पहले व्यक्ति को परख लीजिए कि व्यक्ति कैसा है, पैसा लौटाएगा या नहीं लौटाएगा, दोबारा सामान लेने आएगा या फिर नहीं आएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एक बार जो उधारी करके गया वो दोबारा आपके दुकान पर आएगा ही नहीं, वो किसी और दुकान में जाकर जो है माल खरीदने लगेगा। तो ऐसे में उधारी तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। उधारी देने से क्या हो जाता है दोस्तों कि आपको जब माल मंगवाना होगा, हर महीने आपके पास जो है माल खत्म हो जाएगा, जो आपको बेचना है वहां तो आपको पैसा देना ही होगा, तभी आपको माल मिलेगा। तो ऐसे में जो है आपका बिजनेस बर्बाद होने लगता है, आप घाटे में जाने लगते हैं। दोस्तों ऐसा भी होता है कई बार कि जो नई नई दुकान खोलते हैं उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा माल बिकता है कौन सा माल नहीं बिकता है, तो वो माल ले लाते हैं खरीद कर जो कभी बिकता ही नहीं, या फिर महीने में 1-2 बार बिकता है, या फिर बहुत कम बिकता है। तो ऐसे में उनके पास वो स्टॉक पड़ा रह जाता है, वो बिकता ही नहीं, तो उनका पैसा फंस जाता है। तो ऐसे में उनको घाटा होने लगता है और उनको लगता है कि किराने की दुकान में फायदा है ही नहीं, 1-2 रुपये फायदा मिलता है और बहुत ज़्यादा जो है कर्ज में चले जाते हैं वो लोग। तो इससे उनका बिजनेस बर्बाद हो जाता है, दुकान नहीं चलने लगता है और उनको लॉस हो जाता है और दुकान वो बंद कर देते हैं अपनी। दोस्तों दुकान इसलिए भी बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वो माल जो है सस्ता नहीं देते हैं ग्राहक को। क्या होता है कि कई दुकानदार जो नई नई दुकान खोलते हैं उनको रेट के बारे में जानकारी नहीं होती, वे ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ चीज़ों का रेट ज़्यादा रख लेते हैं जिनमें कोई फिक्स नहीं होता कि इसका रेट इतना ही है, तो वो चीज़ों को महंगी भी बेचने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कस्टमर नाराज़ हो जाता है और उनकी दुकान पर दोबारा नहीं जाता है। तो ऐसे में किसी को भी अगर महंगा प्रोडक्ट मिलेगा तो वो दुकान में नहीं जाएगा, तो कोई भी चाहता है कि मुझे सस्ता से सस्ता माल मिले, सामान मिले, सस्ता मिले, तो ऐसे में वो दुकान जाना छोड़ देता है आपकी। तो ऐसे में आपका धंधा जो है बर्बाद हो सकता है। तो रेट के बारे में भी आपको जो है जागरूक रहना पड़ेगा। और कई बार ऐसा ही होता है कि आपको जो है महंगा माल मिलता है इसीलिए आप महंगा बेचते हैं, तो आपको जो है सस्ता खरीदने माल आना चाहिए। तो सस्ता खरीदना भी एक कला है। कई लोगों का जो है दुकान इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि वो दुकान को ज़्यादा देर तक खोलते ही नहीं, ऐसे में उनका जो है माल ज़्यादा बिक ही नहीं पाता। क्या होता है, मान लीजिए आप 11 बजे दुकान खोलते हैं और शाम को 5 बजे बंद कर लेते हैं, तो आपका जो है ज़्यादा माल नहीं बिक पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं किराना वाले जो कि सुबह जल्दी खोलते हैं और रात को जो है देर से दुकान बंद करते हैं। तो ऐसे में वो ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं क्योंकि उनका ज़्यादा माल बिकता है। क्योंकि क्या होता है कि किराना वाली जो चीज़ें होती है वे सुबह और रात को ज़्यादा बिकती है, यानी कि सुबह जो है चाय वाय के लिए दूध वूध जो है लेना होता है वो सुबह बिकती है, या फिर चाय बिस्किट होता है, बिस्किट होता है, ये सब चीज़ें सुबह बिकती है या फिर शाम को ज़्यादा बिकती है। तो आपको जो है सुबह शाम जो है दुकान खोलना रखना जो है ज़्यादा ज़रूरी है। दुकान में जो है आपको दुकान कब खोलना है, कस्टमर के सो के उठने से पहले और कस्टमर के सोने के बाद आपको दुकान बंद करना है, यानी कि आपको सुबह लगभग 7-8 बजे से लेके आपको शाम को 10 बजे तक, रात को 10 बजे तक जो है दुकान खुला रखना पड़ेगा। कम से कम जो है 12-13 घंटे तो आपको जो है दुकान खुला रखना ही पड़ेगा, तभी जो है आप मुनाफा कमा पाएंगे। दोस्तों कई दुकानदार यह गलती करते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे और वहीं पे जो है दुकान खोल लेते हैं। आप ऐसी जगह का चुनाव करें दुकान खोलने के लिए जहाँ आसपास जो है किराने की दुकान ना हो, यानी कि अगर आपके आसपास ज़्यादा किराने की दुकान होंगी तो आपको वहाँ जो है किराने की दुकान कभी नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मान लीजिए 4 दुकान पहले से ही हैं, एक और आप 5वां डाल देते हैं, तो मान लीजिए सबका थोड़ा थोड़ा माल बिकेगा, तो कौन कितना पैसा
कमा लेगा भाई, ना आप कमा पाएंगे ना अगला कमा पाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, इतना भी ज़्यादा कंपटीशन ठीक नहीं है। अगर आप कितना भी सस्ता माल बेचे, कितना भी अच्छा क्वालिटी का बेचे, कितना भी अच्छा आपका व्यवहार हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है तो उस बिज़नेस में कदम रखना बेवकूफ़ी ही है। अगर आप कदम रख भी रहे हैं तो थोड़ा अलग कदम रखिए, थोड़ा कुछ प्लान बनाकर रखिए ताकि जो है आप ज़्यादा मुनाफा कमा पाए। तो घुमा फिरा के कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन कितना है पहले मार्केट में देख लीजिए, जो है अपने दुकान का चुनाव कीजिए अच्छे जगह पे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको कस्टमर के साथ धोखेबाजी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खराब जो प्रोडक्ट हो जाते हैं, जो एक्सपायर हो जाते हैं, उनको भी कस्टमर को दे देते हैं और घर जाकर देखता है कि यह तो एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसे में वो आपको वापस कर देता है माल लाकर, आपका क्रेडिट खराब हो जाता है, वहीं आपके पास दोबारा वो कस्टमर कभी आता ही नहीं, तो ऐसे में भी दुकानें बंद हो जाती है। तो आपको क्वालिटी पर ध्यान देना है और कस्टमर के साथ अच्छे से व्यवहार के साथ पेश आना है, कस्टमर के साथ धोखेबाजी नहीं करनी है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको मन नहीं लगता है इस बिज़नेस में तो यह बिज़नेस आपके लिए नहीं है। आप सिर्फ पैसे देखकर यहाँ पे मत आइए, आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपको जो है मन लगता है। तो आपको जो है मन लगेगा तभी बिज़नेस चलेगा। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, दुकान चलने और आगे बढ़ने में 6 महीने साल भर तो आपको लग ही जाएंगे। आपको कस्टमर को समझना पड़ेगा, आप जहाँ दुकान खोल रहे हैं वहाँ क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है आपको यह पता चलने लगेगा। साथ ही साथ शुरू में अगर नुकसान होता है तो तुरंत दुकान बंद मत कीजिए, थोड़ी मार्केट को समझ लीजिए, कस्टमर के साथ व्यवहार बनाइए। और दोस्तों आपको माल सस्ते से सस्ता लाने की कोशिश करना चाहिए, और ऐसे माल को मत लाइए जो नहीं बिकता है, और जो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें होती है खुद से रिसर्च किया कीजिए, आप खुद समझदार बन जाएंगे। और दोस्तों और लोग क्या कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है, आपके जो कंपटीटर हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।